हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं समाकलन। ठीक है, तो प्रश्नावली कौन सी? 7i। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? इसमें दिए है निम्नलिखित का मान क्या करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, में चार खंड दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन dx बटे 4 + x²। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको हम दो तरीके से बताएंगे, ठीक है, जो इन सभी सवालों पर अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे x के स्थान पर हम लेंगे, माना x बराबर 2 tan थीटा। ठीक है, और इसका हम इसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यस का हो जाएगा क्या? 1। ठीक है, कॉस टेन तो बाहर, और टेन थीटा हो जाएगा 6 square थीटा। ठीक है, और ये थीटा भी करेंगे तो डी थीटा बटे डीएक्स, यहाँ से डीएक्स निकालेंगे तो डीएक्स बराबर हो जाएगा 2 6 square थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहां से हम इसलिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec² थीटा का डी थीटा बटे में, सेकंड, बटे में हो जाएगा हमारा 4 + एक्स के स्थान पर 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 sec² थीटा का डी थीटा बटे में ये हो जाएगा 4 + और ये 4 tan²θ। ठीक है, तो यहां से चार कॉमन कर लेंगे हम, तो ऊपर वाला बाहर लिख लेते। ठीक है, ये दो ये है जो बाहर इसको लिखेंगे और चार कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से ऊपर बचेगा हमारा 6² θ का डी थीटा बटे 1 + 10² θ। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये 2 से 2 2 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 6² θ का डी थीटा बटे में 6² θ। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 का डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष 1 का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा थीटा बटे में 2 + c। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, देख लीजिए यहाँ पर, तो अगर निकाले यहाँ पर थीटा की वैल्यू, तो 2 पहले इस तरफ भाग में जाएगा तो x/2 हो जाएगा, फिर टेन जो है उस बराबर उस पक्ष में जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, बराबर में थीटा, यानी कि थीटा बराबर टेन इनवर्स x/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स x/2 + c। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं उसको भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड। ठीक है, देख लीजिए, इंटीग्रेशन dx बटे 4 + x² बराबर हो जाएगा हमारा, इस सूत्र जो होता है इंटीग्रेशन dx बटे 2² + x². ठीक है, सूत्र पर हमने बना दिया कि सूत्र होता है हमारा, सूत्र को भी देख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन dx बटे में a² + x² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c +
सेकेंड प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ उसी सूत्र पे इसको हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए तो हो जाएगा वन बाई ए, और ए के स्थान पर इसमें क्या दिया हुआ है, दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो, तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यक्स बाई ए, ए के स्थान पर दो प्लस सी। तो इस तरह भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी इसको लगा सकते हैं, चाहे इस तरह लगाएं चाहे इस तरह, दोनों आंसर सही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम बी पार्ट देख लेते हैं। इसका आप देखिए बी पार्ट देख लीजिए, पहले का बी पार्ट, ठीक है। इसको भी कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन डीएक्स बटे 5 + 4x2, ठीक है। यहाँ से पहले हम चार जो है कॉन्स्टेंट ये अलग कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन डीएक्स बटे 4 कॉमन करेंगे हर में, तो हो जाएगा 5/4 यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/4 ये बाहर कर लिया। तो इंटीग्रेशन डीएक्स बटे 5/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आगे इसको देखिए, तो 1/4 इंटीग्रेशन डीएक्स बटे 5/4 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सूत्र देखते हैं। सूत्र होता है क्या होता है कि इंटीग्रेशन डीएक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। देखिए उसी फॉर्म में, सूत्र के फॉर्म में सवाल बन चुका है, तो बस इसी तरह हम इसको लिख देंगे। यानी कि हम 1/4 और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है। देखिए 1/a है, ठीक है। तो इसमें तो 1/4 पहले है बाहर से, तो यहाँ इतना देखिए इस सवाल से 1/a निकालना है। तो यहाँ से a ऊपर लिखा हुआ, तो a की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। a की वैल्यू क्या है, ये रूट 5/2, तो रूट 5/2 टेन इनवर्स x और बाई ए, ए की वैल्यू रूट 5/2 प्लस सी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 4, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2√5 टेन इनवर्स, और तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा 2x/√5 प्लस सी। तो ये हमारा जो हो जाएगा आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम सी पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 3x² बटे में एक्स की घात 6+1, ठीक है, का डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा, देखिए यहाँ पर 3x² अवकल गुणांक दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा पहले बना लेते सवाल को, ठीक है। 3x² बटे में x की घात 6 है, तो इसको लिखेंगे हम x की घात 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, का dx। अब देखिए यहाँ पर x की घात 3 का ये जो है अवकल गुणांक है, तो यहाँ पर हम x की घात 3 को पहले हम t मानेंगे, ठीक है, पहले स्थापित कर देंगे किसी अचर में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना एक्स की घात 3 बराबर टी, ठीक है। इसका एस के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो एक्स की घात 3 का हो जाएगा 3x², ठीक है। टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, तो डी एक्स इस तरफ ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा डी टी, ठीक है। यानी कि जहाँ 3x² डी एक्स है वहां पर डी टी लिखेंगे। तो देखिए आगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटे टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स t का फार्मूला प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू रख देंगे, तो tan इनवर्स x³ प्लस c, ये जो है आंसर होगा इस प्रश्न में। तो आशा करते हैं सवाल समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसका हम d पार्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का d पार्ट दिया कि x² का dx बटे 4 + x², ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है इसके सापेक्ष। देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसमें दो प्रॉपर्टीज क्या है कि जो अंश है, देखिए अंश की घात
यदि हर की घात से बराबर या बड़ी है तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बराबर है, यहाँ पर दो घात है, यहाँ पर भी दो घात है, ये बराबर, इसको डिवाइड करके भाग करके तब ये घात छोटी होनी चाहिए सदैव। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भाग करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा एक और मेथड लग सकता है कि अगर हर में अंश में चार जोड़ दें और चार घटा दें तो ये वाला कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, चार जोड़ दें और चार घटा दें तो ये वाला कैंसिल करके प्रतिस्थापन विधि लगा के हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम उसी मेथड से लगाएंगे इसको। ठीक है, दोनों तरीके से लगा सकते हैं आप इसको। देखिए तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डी एक्स बटे में 4 + x² लिखेंगे, माना अंश में चार जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, तो जोड़ घटा देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 + x² का dx, तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, अलग अलग कर लेंगे, 4 + x² का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 + x² का dx। ठीक है, अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 का dx माइनस, यहाँ से चार कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/, ये चार को लिख सकते हैं, इस चार को 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये x माइनस ये 4 गुणे, तो देखिए अब ये सूत्र क्या हो गया, पिछले सवाल में बताया था हमने, पहले सवाल में, तो उसी वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से 1/a एक रूप में 2 दिया हुआ है, तो tan इनवर्स x/a के स्थान पर 2 + c। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 2 × 4 2 tan इनवर्स x/2 + c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सवाल आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे एक हम नई वीडियो में प्रश्न संख्या 2 लेकर। ठीक है, तो